नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करें, बहुत सुंदर लगेगा, या फिर किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक्स्ट्रा। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप अपने दूसरे कलर को अटैच कर लें। तो डिजाइन का पहला लाइन और सामने से और दूसरे कलर के ऊन से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, फिर चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, फिर चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। इस तरह 3 फंदा सीधा बुनते हुए और चौथे फंदे को स्लिप करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, और फिर 3 फंदे सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। इस तरह बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। तो अपने प्राइमरी कलर के ऊन से 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। 3 फंदा सीधा, देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो उसे हम सीधा बुनेंगे और उसके दोनों साइड के फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हो गए 3 फंदे सीधा, और देखिए 3 बुने हुए फंदों में से बीच का फंदा यानी दूसरा फंदा, इसे हमें स्लिप करना है, फिर 3 सीधा फंदा बुनना है। ये देखिए स्लिप किया हुआ फंदा है और उसके दोनों साइड वाले फंदे, इन तीनों को हम सीधा बुन लेंगे, और 3 बुने हुए फंदों में से बीच का फंदा यानी दूसरा फंदा, इसे हम स्लिप करेंगे। तो 3 फंदा सीधा बुनते हुए और चौथे फंदे को स्लिप करते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, बुने हुए फंदे को और स्लिप किए हुए फंदे को, सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। डिजाइन का पांचवा लाइन और सामने से, और अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे, चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, यानी हम अपना तीसरा लाइन दोहरा रहे हैं लेकिन सेकेंडरी कलर के ऊन से। देखिए प्राइमरी कलर से हमने इन्हीं 3 फंदों को सीधा बुना था, हम
पांचवी लाइन में भी इन्हीं तीन फंदों को सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तीन फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करना है, तीन फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करना है। तो तीन फंदा सीधा बुनते हुए चौथे फंदे को स्लिप करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब ये डिज़ाइन का छठा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो बुने हुए फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लिया जाएगा। बुना हुआ फंदा सीधा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा सीधा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सातवां लाइन और सामने से और अपने प्राइमरी कलर के ऊन से पहला फंदा सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो ये फंदा उसके दोनों साइड वाले फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे और बुने हुए तीन फंदों में से बीच का फंदा हम स्लिप करेंगे। फिर देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है, ये फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे और फिर सेकेंडरी कलर वाले तीन फंदों में से बीच का फंदा हम स्लिप करेंगे। तो तीन फंदा सीधा बुनेंगे और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, तीन फंदा सीधा बुनेंगे, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम सातवीं लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। डिजाइन का आठवां लाइन और रॉन्ग साइड, आठवें लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, बुने हुए फंदे को और स्लिप किए हुए सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। आठवें लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, बुने हुए फंदों को और स्लिप किए हुए फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं आठों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं आठों लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, बनाने में आसान और बहुत ही खूबसूरत। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।